What can I say? Firstly, I'm very thrilled to be in this part of town. मैं चेपुर में रहती थी तो घाटकों पर बहुत आया करती थी. तो I'm very happy to be back here today. आप सबने बॉबी जासूस की टिकट खरीद लिए हैं? झूठे झूठे. कितने खरीदे? खरीदने वाले हैं? सेकेंड टाइम मैं आपको दिखाऊंगी. आपने खरीदे? कब जा रही हैं आप? आज? अभी? अरे वाह. आप सब बॉबी जासूस देखने वाले हैं? बॉबी जासूस पूरे फैमिली के साथ देखी जा सकती है. ये बहुत ही फन फैमिली एंटरटेनर है. ये सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, इसमें जासूसी है पर रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, नाच गाना है, बहुत ज्यादा मस्ती है. और हमने इस फिल्म की शूटिंग भी इस मॉल में की थी. यहीं पे एक सीक्वेंस शूट हुआ था हमारा. जश्न जो गाना है उसमें देखिएगा, आरसीबी मॉल है. अच्छा, आप सब बहुत भूख लग रही है क्या? भूख लग रही है? जोर से कुछ कहो. डू यू लव मी? आई लव यू टू. हमने देखा है कि आपने बहुत सारे डिसाइसेस किए इन दिस एंटायर मूवी. देयर आर मेनी रोल्स दैट यू प्लेड. आई वांट टू नो व्हिच इज द फेवरेट डिसाइस ऑफ योर्स, योर पर्सनल फेवरेट. अब कौन सा बोलूं? ये वाला बहुत डायलॉग बोलूं इस फिल्म का. आज बॉबी जासूस रिलीज हो गई है पिक्चर देखने. जासूस आपके पीछे आ रही, बच के रहो. बस यही और क्या बोलूं. डायलॉग वही तो बोली मैं. वही पिक्चर का ही बोली. ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर अच्छी लगी आपको? क्या बात है. वी ऑलरेडी हैड अ डांस कॉम्पिटिशन एंड दे आर ऑल्सो विनिंग द बॉबी जासूस मूवी टिकट्स फ्रॉम दिस सिनेमास. सो आई रिक्वेस्ट.
ओके रोलिंग रोलिंग ओके विद्या, रिव्यू पे मैं गया था, काफी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं ऑडियंसेस, आपको यहाँ पर क्या रिस्पांस मिला? अभी एक शो के खत्म होने के बाद मैंने एंटर किया तो सबने कहा कि बहुत अच्छी पिक्चर है, वो फिर से देखना चाहेंगे अपने यू नो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा बिकॉज इट इज़ अ फन फैमिली एंटरटेनर। और हाँ, जासूसी फिल्म है पर उसके अलावा इसमें बहुत है। एंड जैसे मैं कहती आ रही हूँ कि इस फिल्म को बनाने का जो अनुभव रहा है हम सबके लिए एक बहुत ही खुशियों से भरा हुआ अनुभव रहा है, तो यही हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और जश्न मनाना चाहते हैं। तो प्लीज बस आ जाइए थिएटर्स में, फिल्म देखिए, मजा उठाइए बस। ओके, पर्सनली आपको क्या बॉलीवुड से क्या रिस्पांस मिला है, फ्रेजेस आप जो शेयर करना चाहेंगे मीडिया के साथ? आई डोंट वांट टू टेक नेम्स। कल कुछ स्क्रीनिंग्स हुए, लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं थैंकफुली, उनको फिल्म बहुत जैसे मैंने कहा एंटरटेनिंग लगी, कलरफुल लगी, सबके परफॉर्मेंसेज उनको अच्छे लगे और कहा कि 2 hours 2 minutes की फिल्म है तो बहुत ही अच्छा पेस है। तो आई थिंक इट्स ऑल दैट वी सेट आउट टू डू, तो अच्छा लग रहा है, बहुत इनकरेजिंग रिस्पॉन्सेज मिले हैं इंडस्ट्री से। सिनेमा टिकट के दाम इतने बढ़ गए हैं, दर्शक जाते हैं सिनेमा देखने के लिए लेकिन वो टिकट के दाम देके वापस भी आते हैं, तो बजट जो आ रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे खासकर एंटरटेनमेंट? नहीं, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा लोगों के ज्यादा लोग फिल्में देखें, तो इसके लिए जो प्राइस उनके लिए कम्फर्टेबल होगा टिकट्स उन प्राइसेस में भी अवेलेबल होने चाहिए अच्छे थिएटर्स में। बजट से क्या उम्मीद कर रही है, मतलब आमतौर पर अगर देखा जाए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की? बहुत अलग अलग एरियाज के बारे में है पर ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। बॉलीवुड में बहुत अलग ट्रेंड आप लेकर आ चुके हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स का, अब जो भी मूवीज आती है जो वुमेन सेंट्रिक होती है उससे आपकी फिल्म से कंपेयर किया जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहती है, आप अपने आप को कितना लकी हूँ? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला है। बॉबी जासूस उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है और इस वजह से लोग जब वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की बात करते हैं तो मेरी फिल्मों की बात करते हैं क्योंकि ये फिल्में बहुत अच्छी रही हैं। आज ये गाने की अवतार में दिखा है, बैग लेके आई है, क्या था ये? ये बॉबी का लुक है ये बॉबी का लुक है जो आप पोस्टर्स में देखते आ रहे हैं और मैं हर जगह प्रमोट करने के लिए इसी लुक में जाती रही हूँ। और अगर हम बात करें, आप नरेंद्र मोदी से मिलने वाली थी, नरेंद्र मोदी को आप दिखाएंगी? गुजरात टूर जाने वाली थी आप? नहीं नहीं, पर वो दिल्ली में है ना। आप जाने वाली थी, आप जाने वाली थी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, ये अफवाह है। थैंक यू। मैं पैसों के बारे में नहीं सोचती, बस हम प्यार बांटना और बटोरना चाहते हैं फिल्म के थ्रू और उम्मीद यही है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होगी और लोग बार बार इस फिल्म को देखने आएंगे और लोगों को लेकर आएंगे और फिर जो हो नंबर्स एंड ऑल आई डोंट थिंक ऑफ, पर वेलकम बिग नंबर्स। थैंक यू। थैंक